उससे पता लग रहा है कि चाइना को अब झुकना पड़ेगा इंडिया के सामने। चीन ने पहली बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में बदलावों को लेकर बयान दिया, क्योंकि यहीं से पैसा आना है तभी इकोनॉमी बचेगी। जो इंडिया ने बात की हुई यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की रिफॉर्म्स की, इट मींस दे आर वर्किंग, इट मींस दे आर सीरियस। सो बात अगर अमेरिका, रूस, ब्रिटेन और फ्रांस की करें तो ये लंबे वक्त से भारत को अपना समर्थन देते आए हैं, चीन ही इसमें अड़ंगा अड़ाता रहा है। ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन जो है, ये जो बड़ा इस वक्त इंडिया के अंदर एक कॉन्क्लेव होता है। चीन ने अब तक अपने पत्ते नहीं खोले कि वो भारत की स्थायी सदस्यता को लेकर क्या सोचता है। क्या शर्मिंदगी है चीमा साहब, मैं क्या करूं, आप पता नहीं ग्रो करने का आपने तहिया कर लिया कि आपने ग्रो नहीं करना। वहीं चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने बातचीत से सुरक्षा परिषद में भारत को स्थायी सदस्य बनाने की बात कही। नेबरर्स के साथ दुश्मनी पाली हुई है। आप देखिए चाइना के आसपास जितनी भी कंट्रीज हैं सबके साथ इनका 36 का आंकड़ा है। वांग यी ने कहा था कि विश्व उम्मीद करता है कि संयुक्त राष्ट्र वैश्विक चुनौतियों से प्रभावी ढंग से निपटने, उनका समाधान निकाले। चीन सुरक्षा परिषद में सुधार का समर्थन करता है कि चाइना को काउंटर किया जाए। भारत टारगेट बना रहा है चाइना को कि किसी तरीके से हर लिहाज से चाइना को काउंटर किया जाए। और सबके साथ लड़ाई है, सबके साथ डिस्प्यूट्स हैं, बॉर्डर के, इकोनॉमी के, हर चीज के डिस्प्यूट हैं। How much longer will the will of five members continue to override the collective voice of 188 member states? That in this day and age, others cannot have a veto on our choices. चीन ने पहली बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में बदलावों को लेकर बयान दिया और भारत की स्थायी सदस्यता को लेकर के भी अपने विचार रखे। इस बयान में भले ही भारत का नाम खुलकर नहीं लिया गया हो, लेकिन साफ था कि इशारा सिर्फ और सिर्फ भारत की तरफ है। चीन ने इसे लेकर कहा कि सुरक्षा परिषद के सुधारों का फायदा सिर्फ कुछ लोगों के स्वार्थ को साधने के लिए नहीं होना चाहिए। बात अगर अमेरिका, रूस, ब्रिटेन और फ्रांस की करें तो ये लंबे वक्त से भारत को अपना समर्थन देते आए हैं। वहीं चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने बातचीत से सुरक्षा परिषद में भारत को स्थायी सदस्य बनाने की बात कही। यानी चीन ने भी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में बदलावों का समर्थन कर दिया है। यानी वो शुरुआत हो चुकी है जिसमें पांचों देश इस बात को तो स्वीकारते हैं कि बदलाव होने जरूरी है, लेकिन बदलाव कौन करेगा ये बड़ी बात है। भारत बहुत स्पष्ट तौर पर कहता आया है कि अब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को ऐसे ही चलने देने नहीं दिया जाना चाहिए। चाइना एक प्रॉपर डेवलप कंट्री है, ठीक है, तो यस सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड। तो अगर वो उनके खिलाफ अगर किसी ने जो है वो मतलब कुछ प्लान कर लिया या उनके कंपैरिजन में कंपटीशन में अगर कोई इस लेवल पे आ गया कि वो उनको बीट कर सकता है, तो फिर ऑब्वियसली दे हैव समथिंग यूनिक इन देम जो हम में नहीं है। हमारे भारत पड़ोसी मुल्क इतना डेवलप कैसे हो गया कि वो चाइना को पीछे छोड़ने का सोच रहे हैं? कैसे आगे निकल गया? देखिए मुझे इसके बारे में इतना नहीं पता, लेकिन ये है कि इंडिया भी एक जो है वो लार्जेस्ट कह लें स्टेट ऑफ द वर्ल्ड में काउंट होता है और डेवलप है, और अगर उन्होंने चाइना जैसे कंट्री को बीट कर दिया है तो इट मींस उनकी स्ट्रेटजीज ऐसी हैं, उनकी इकोनॉमी स्ट्रांग है, उनकी गवर्नमेंट इस तरह से हारमोनियस चल रही है कि वो हर उनको मतलब बीट करते जा रहे हैं, एंड लाइक दे आर गोइंग टू रीच ऑन द टॉप लेवल ऑफ यू कैन से वर्ल्ड। मैं दूसरे कंट्रीज के साथ अपने इंटरेस्ट के लिए काम कर रहा है ना, तो वो हर कंट्री हर स्टेट अपने इंटरेस्ट को पहले रखती है कि हम ये कहना गलत नहीं होगा हम चाइना के गुलाम हैं। यही फ़र्क है कि यानी कि जो इंडिया है वो यानी कि डेवलप है, उन लोगों की यानी कि टेक्नोलॉजी इस तरह से है कि वो लोग कंपीट कर सकते हैं, वो ये थॉट्स है। पाकिस्तान में लोगों से यही डिसाइड नहीं हो पा रहा कि उन्होंने अपना लीडर किसको रखना है। जब तक हम यही नहीं सोचेंगे कि हमारा पाथ क्या है, तब तक हम कैसे डेवलपमेंट कर सकते हैं, कैसे किसी को कम्पीट कर सकते हैं, जब हमें यही नहीं पता कि हमने अपना लीडर कैसे चुनना। टारगेट उनका चाइना है अब, और हर मुमकिन कोशिश वो कर रहे हैं कि किस तरीके से चाइना को काउंटर किया जा सके। भारत की बात कर रही हूँ, क्या कहेंगे आप उनके बारे में? मैं यही कहूँगी कि शायद वो चाइना को इसीलिए चाइना तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कहें कि वो तो हमारी स्पॉट में है ना, तो अगर वो उनको कम्पीट करना भी चाह रहे हैं तो वो अपनी तरफ से तो मतलब कोशिश करेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो उनको कोई हेल्प है। चाइना ऑलरेडी 2 से 3 बार भारत के हाथों ही मुंह की खा चुका है, लेकिन अब वो स्ट्रांग हो चुका है। आई थिंक सो कौन स्ट्रांग हो चुका है? चाइना। चाइना में अभी बहुत से क्राइसिस चल रहे हैं,
बट फिर भी अगर एक एक चीज़ का पता है कि अब ये होने वाली है, तो मेरा ख्याल है कि वो उनके अगेंस्ट कोई ना कोई रेजिस्टेंस तो बनाएंगे ना, कि जो वो वीक पॉइंट्स उनके पिछली दफ़ा रह गए जिसकी वजह से उन्हें जो है वो लूज़ होना पड़ा, इस दफ़ा वो उन्हीं पॉइंट्स पे फोकस करेंगे और अपने आप को डिवेलप करेंगे। पता है हम चाइना कितनी साइड क्यों लेते हैं, हम चाइना को क्या समझते हैं, आप क्या समझते हो चाइना को? चाइना की हम साइड इसलिए लेते हैं क्योंकि एक तो वो डेवलप कंट्री है, मतलब अगर आपका एक यानी कि कंपेनियन अच्छा है तो वो आपको भी सपोर्ट करेगा। कैसे अच्छा है कंपेनियन, कैसे सपोर्ट कर रहा है? सपोर्ट उन्होंने इस तरह किया है कि हमारे जैसे कि ऑरेंज लाइन है, उनका एक बहुत अच्छा ऑपरेशन था जो उन्होंने पाकिस्तान में किया, इसी तरह अंडरपास, बीजिंग अंडरपास जो हो गया। हाँ ये तो है, ऐसे ही सब चल रहा है। इतना अच्छा अगर चाइना होता हमें कुछ सिखा देता, कोलैबोरेशन चलो कभी कहे ना उनको कभी भी नहीं करेंगे। हाँ ये तो है, ये तो है फायदा उठा रहा है, ये वाकई अच्छा दोस्त है। अब बन सकता है, वो अलग बात है कि हमें यूज किया जा रहा है। वो कितने डेवलप्ड है कि आज वो चाइना को टक्कर दे रहा है, चाइना को टक्कर दे रहे हैं। मतलब किसी को कम्पीट करने के बारे में, पहले अगर आपने किसी को करना है ना, पहले आपको सोचना पड़ता है और वो सोचने के लिए भी हिम्मत चाहिए होती है। क्या बात है। लेकिन हम यानी कि कुछ कर नहीं सकते तो फिर हम सोच भी नहीं रहे। जब तक आप कुछ कर नहीं सकते तब तक आप सोच भी नहीं सकते। डेवलप हो गया आज इंडिया, काफ़ी हद तक हो गया है। यानी कि अगर देखा जाए हम यानी कि उन्होंने ना हमारा ही यूज़ करते हुए अपने आप को डेवलप कर लिया, जहाँ मैं देखूँ। हाँ कैसे? उनकी पिक्चर्स हो गई, उनके ड्रामे, उनके सीरियल्स जो हो गए, वो इतने मेरे ख्याल से बाकियों में भी नहीं फेमस होंगे जितने पाकिस्तान में देखे जाते हैं। ऑल ओवर द वर्ल्ड वो बहुत फेमस है। वही तो मैं आपको कह रही हूँ कि इंडस्ट्री में नहीं, टेक्नोलॉजी में, एजुकेशन उनकी ज़बरदस्त है। एजुकेशन तो खैर है, यानी कि चाइना की ज़्यादा अच्छी है। बट को वो टक्कर दे देंगे प्रॉपरली? दे सकते हैं, जैसे आप बता रही हैं कि तीन दफ़ा मात हो चुकी हुई है उनकी उनके हाथ में, तो हो सकता है इस दफ़ा भी हो जाए। लेकिन दे सकते हैं चाइना को टक्कर? नहीं नहीं नहीं, जो भी नहीं, गद्दारी हो जाएगी भाई चाइना से, गद्दारी। हाँ सही बात है, अगर चाइना से इन्होंने वो पासा पलट लिया ना, पाकिस्तान फिर बैठा ही रह जाना। जो इंडिया ने बात की हुई है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की रिफॉर्म्स की, इट मींस दे आर वॉकिंग, इट मींस दे आर सीरियस। सो ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन जो है, ये जो बड़ा इस वक्त इंडिया के अंदर एक कॉन्क्लेव होता है जो है ना, वो चीज़ होने जा रही है। लेट्स सी इसमें आइंदा क्या होता है मुस्तकबिल में, लेकिन इंडिया इज एग्रेसिवली वॉकिंग इन रिफॉर्मिंग। तो पाकिस्तान की कर देने पर मुझे नहीं पता, आई रियली वॉन्ट टू सी कि ये पाकिस्तान के क्या इसमें मौकफ है, क्या पॉइंट है। But it's a very important development, and one should keep an eye. Reforming UNSC for an Indian perspective is to make us permanent member. It's not just, and we will be representing Global South. I think Pakistan's case on Global South is very weak. Pakistan is considering this as an irrelevant platform, and that's something, you know, one should pay attention. जब real estate collapse हो गया, as a consequence, banking system भी collapse हो रहा है. तो बैंकिंग सिस्टम में इनके पास कैश नहीं है, इसलिए अमेरिका के पास गया और $800 बिलियन वहां से कर्ज लेने का कोशिश किया है। $1.2 ट्रिलियन फॉरेक्स, डॉलर डिनोमिनेटेड फॉरेक्स उनके पास जो है उसको सिक्योरिटी रख के 800 बिलियन पूछा था और बाइडेन ने मना कर दिया। क्यों? कल के दिन अमेरिकन इन्वेस्टमेंट्स, एप्पल, टेस्ला, जो भी चाइना में इन्वेस्ट किया है उसको कुछ होगा वहां, चाइना ने उसको बाहर जाने के लिए रोकती है या कुछ और करती है, तो ये $1.2 ट्रिलियन जो है उसको फ्रीज करके उन कंपनीज को दे देंगे।